स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे हो सकती है? ये सभी देश का हर एक नागरिक जो किसी वर्ग का भी हो इस बात पे चिंतन करे कि कुछ जो 3 से 5% समाज 80% पदों पर आसीन है, ये क्या व्यवस्था है? जो संविधान में जो साफ साफ प्रावधान दिए गए हैं उसके बाद भी उसको अनदेखा किया जा रहा है, वजह क्या है? इन आदिवासियों को अपनी मजदूरी छोड़कर यहाँ पर दिल्ली में कूच करना पड़ रहा है, इसकी वजह क्या है? क्यों हम 3 साल 4 साल से अनुसूची 5 की बात कर रहे हैं उसके बाद भी अनदेखा किया जा रहा है? जिन राज्यों में TSC लागू है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी मंत्रणा परिषद के नाम से लागू है, साफ साफ संवैधानिक प्रावधान यह है कि वहाँ पर राज्यपाल से मनोनीत आदिवासी वर्ग के लोग रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर अपने सरकार के लोगों को ईमानदारों को ही वहाँ पर जो है नियुक्त कर लिया जाता है और किसी प्रकार के ट्राइबल की वर्किंग के ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। ये बड़ी दुर्दशा है हमारे समाज की। आदिवासियों में सच बात यह है कि पहले हम कुछ अशिक्षित लोग थे, पहले आपको खुद मालूम होगा कि हमारे जनप्रतिनिधि कैसे विधानसभा लोकसभा पहुंचते थे, उनको कुछ लोग यहाँ पर जो है वो नॉमिनेट करते थे और वही उनको भेजते थे और अल्टीमेटली हमारे वो जो विधायक और हमारे प्रतिनिधि रहते हैं वो उन्हीं के लिए फिर जो है रिप्लाईबल होते हैं। हमारी व्यवस्था इतनी बेकार और जर्जर हो रही जा रही कि हम डे बाई डे, चूंकि हम संवैधानिक व्यवस्था में जी जरूर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, लेकिन इसको जर्जर होते हुए देख रहे हैं। आज ये स्थिति है कि धीरे 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 न्यायपालिका से लेके हमारे चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं तो सब दूर सब जो प्रभाव दिख रहा है, ये कितना राजशाही चल रही है, कितना लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। हर एक आदिवासी को ये मालूम है, हर एक जनता को मालूम हो रहा है कि इस देश में चल क्या रहा है और होना क्या चाहिए। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये आप जो है आदिवासी जाग गया है अपने अधिकारों के प्रति, अगर ये अनुसूची 5 लागू नहीं हुई तो हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि इसका क्रियान्वयन हम नहीं देख लेते और समय समय पर हम लोग सब एक एक आदिवासी को जगाएंगे। यहाँ जितने प्रतिनिधि आए हुए हैं सब जाकर वापस जो बचे हुए लोग हैं उनको भी हम जगाएंगे। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिन आदिवासियों को एक दिन का मजदूरी नसीब नहीं हो पा रही है वो यहाँ आके जो है भीड़ में इकट्ठे हो रहे हैं। इतनी दर्दनाक स्थिति कभी किसी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखी नहीं गई है। मैं पुनः इस मंच पे बैठे लोग सभी को और आने हुए सभी सभी आदिवासी भाइयों को मैं एक निवेदन करता हूँ कि इस बात की जानकारी हमारे सब उन गांव में दूर दराजों में दी जाए कि हमारे साथ कितना अनदेखा किया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार का लोकतंत्र तो यह है कि जो जाग गया है वो जो पाता है और जो सोया है उसको खोता है। हम लोगों को पाने के लिए जागना पड़ेगा और सभी से निवेदन है कि आप अपने जितना ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देने का प्रयास कीजिए।